संजय गांधी अस्पताल की बिगड़ती व्यवस्था को देखते हुए पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने रीवा कमिश्नर से की मुलाकात। देश भर में कोरोना वायरस के चलते अव्यवस्थाओं का आलम है। इससे विंध्य का सबसे बड़ा अस्पताल संजय गांधी अस्पताल भी अछूता नहीं है। आपको बता दें कि विगत कई दिनों से संजय गांधी अस्पताल के बेड पूर्ण रूप से भर चुके हैं, जिसके बाद अस्पताल के गेट में तालाबंदी पर पुलिस की तैनाती भी की गई है। इन्हीं समस्याओं को लेकर आज कांग्रेस के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना विनोद शर्मा साथियों के साथ रीवा संभाग आयुक्त अनिल सुचारू से मिलकर अस्पतालों की व्यवस्थाओं से रूबरू कराया। इस दौरान संभाग आयुक्त आश्वासन देते हुए कहा कि कुछ ही घंटों के अंदर सारी अव्यवस्थाओं को दूर कर संजय गांधी अस्पताल एवं जिला अस्पताल को व्यवस्थित किया जाएगा। वहीं पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन एवं इंजेक्शन की सप्लाई भी कराए जाएंगे। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए रीवा से रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। रीवा संजय गांधी अस्पताल में जो अपना संभागी अस्पताल है वहाँ पे अफरा तफरी मची हुई है, चाहे गैस के लिए हो, चाहे इंजेक्शन के लिए हो और चाहे एडमिट होने के लिए हो। और लाइनें लगी हैं, एडमिट होना लगभग बंद हो गया था, ताला लग गया बोर्ड लग गया था कि यहाँ पे कोई नहीं। इस बात को लेकर के जब कई पेशेंटों का फ़ोन आया, उनके परिजनों को फ़ोन आया, तो मुझे ये लगा कि इसमें हम सबको पहल करनी चाहिए। तो मुझे ये लगा कि संभागीय अधिकारी से मिल करके उनको इस बात को जानकारी दूं कि संजय गांधी में ताला लगना, मैं समझता हूं कि ताला लगना या बोर्ड लगना कि एडमिट नहीं किए जाएंगे, ये रीवा ज़िले के लिए, रीवा संभाग के लिए शर्मनाक विषय है। इस परिस्थिति में इस बात को लेकर के मैं उनसे मिलने आया। उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि ऐसी कोई बात नहीं। उनको बताया कि आप जा करके वहाँ पर देखो। कई मुद्दों पर चर्चा हुई कि उन्होंने कोविड केयर सेंटर, आयुर्वेद कॉलेज और ज्ञानोदय को उन्होंने कहा कि मैं अलग से करूंगा और कोई भी पेशेंट जो भी एडमिट होने के लिए आएगा उसे अब जो है भटकना नहीं पड़ेगा और न गैस की कोई कमी आने पाएगी। चाहे संभाग के किसी कोने से मुझे गैस लानी पड़े मैं वो भी इंतजाम करूंगा। और मैंने उनसे कहा है कि अगर ये सब व्यवस्थाएं नहीं होगी तो मजबूरन हम लोग जनता के लिए लड़ाई लड़े हैं, सदैव लड़ाई लड़े हैं। संजय गांधी जाकर के हम लोग धरने पर भी बैठेंगे मरीजों के लिए। और लेकिन उन्होंने पूरी तरह से आश्वासन किया है कि लगभग 4-6 घंटे में सारी व्यवस्थाएँ सुधर जाएंगी। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम लोग आगे के लिए बाध्य। साथ ही समस्त सीएससी में 20-20 बेड जो ऑक्सीजन युक्त बेड होने चाहिए उसके लिए भी हर सीएससी में खोलने के लिए बात हुई थी लेकिन खुला नहीं था। उनसे मैंने कहा कि आज हर हाल में खुलना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज इसकी भी मतलब कार्रवाई आज और कल तक पूरी हो जाएगी लगभग सब सीएससी में।